शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। 97,000 शिक्षक भर्ती मुलाकात हुई थी, 3 दिन का समय दिया गया था, इन लोगों से बात करेंगे। आज 8वां दिन आज ग्यारहवां दिन जैसा कि ये अभ्यर्थी इनसे बात करेंगे कि आज 11वां दिन हो गया है, क्या कुछ आश्वासन, क्या कुछ बातें हुई? सर आज हम सब डीएलएड बीटीसी के अन्य प्रशिक्षित कोर्स करके के हम सब अनवरत धरने पर 11 दिन से बैठे हुए हैं। प्रशासन द्वारा शिक्षा मंत्री और डीजी महोदय अनामिका सिंह से मिलवाने के लिए कहा गया था और जहाँ पर अनामिका सिंह जी से मुलाकात हुआ है, लेकिन उनका जो आश्वासन है ना लिखित रूप से है ना स्पष्ट रूप से है, जिसके तहत हम सब अनवरत धरने पर बैठे हैं। उनके द्वारा साफ शब्दों में कहा गया कि आप सब धरने को स्थगित कर दें, हम आपकी मांग को प्रदेश सरकार तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने एक चीज़ और जोड़ा कि जरूरी है कि आप सब डीएलएड बीटीसी अन्य कोर्स कर लियो तो हम आपको प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन ही देंगे, आप यूपीएससी अन्य विभागों में जा सकते हैं। लेकिन सर आप बताइए कि आज हम सब 5 साल हमारा समय चला गया, हम सब 2 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स करके टेट सीटेट पास हो करके आज हमें जब भर्ती देने की बात प्रदेश सरकार की आती है, आज हमें बता रही है आप दूसरे क्षेत्र में जाइए। ये चीज़ें उनको पहला बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? हो सके आज ये पहले बता देते कि हम डीएलएड बीटीसी कोर्स करवा करके हम आपको रोजगार नहीं दे पाएंगे, तो शायद हम जो अपने घर का कर्ज ले करके गिरवी जमीन रख करके जो लाख दो दो लाख लगा करके हमने डीएलएड प्रशिक्षण पूर्ण करके 3 साल इलाहाबाद लखनऊ जैसे प्रतियोगी जगह पर रह करके अपना लाखों रुपए लुटा करके हमारे बाप आपने सोचा कि हमारा लड़का अध्यापक बनेगा, आज हमसे ये कहा जा रहा है कि आप किसी दूसरे क्षेत्र में जाएं। अगर हम कह रहे हैं कि अगर उनके पास बेसिक में रिक्त पद नहीं है तो वो बता दें, लेकिन जब उनके पास लिखित रूप में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है कि 51,112 पद पे हम भर्ती देंगे के लिए, तब वो किस आधार पर ये बातें करते हैं कि हमारे पास शिक्षक के और बच्चों के अनुपात में शिक्षकों का पद ज्यादा हो गया? आज भी विधानसभा सत्र आखिरी था जहाँ पर विपक्ष दलों के विधायकों ने स्पष्ट रूप से रोजगार का, महंगाई का, हर चीज पर उन्हें मुद्दा उठाया, तब भी शिक्षा मंत्री ने उस पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मैं बहुत ही दुखी तो राहत हूँ, मेरे साथी आज 11 दिन से एकदम परेशान हो चुके हैं। आज इस ठंडी में आप देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े मच्छर हम सबको काटते रहते हैं, हमारे कितने साथी हमारा साथ छोड़ के चले गए हैं। एक समय था यहाँ पर 500,000 की संख्याएं रहती थी, आज धीरे धीरे साथी हमारे बीमार होते जा रहे हैं, सब धीरे धीरे करके साथ छोड़ के जा रहे हैं। हम सबको कुछ हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज हमारे माँ बाप एकदम परेशान हैं, स्थितियाँ एकदम दर बदर बदतर होती जा रही है। हम सब दिन भर में एक भी बार खाना नहीं खाते, कभी कभी रात में कहीं इनके द्वारा खाना आता है, कहीं कोई लेकर आता है, या दिन भर में एक बार खाना खाते हैं। हम सब आज 11 दिन से यहाँ परेशान हैं और खुले हवा में सो रहे हैं, हमारे अधिकतर साथियों बीमार हो चुके हैं। अगर हम सबको कुछ हो जाएगा इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार लेगी? अगर नहीं लेना था, अगर रोजगार नहीं देना था तो इन्हें डीएलएड बीटीसी अन्य कोर्स नहीं करवाना था। आज हम सब बहुत ही अंतरात्मा दुखित हो चुकी है, हम बहुत परेशान हैं, हम सब चाहते हैं कि आप इस पे ध्यान दें। कोई मीडिया हम सब की आवाज़ नहीं उठाना चाहता, सारे लोग चुनाव प्रचार में व्यस्त है। जैसा कि 11 दिन हो गया है, लगातार अपने घर बार से दूर हैं, कई जो छात्र हैं वो इलाहाबाद से आए हुए हैं इतनी दूर से, और यहाँ पे खुले में रहना, ठंडी चल रही है इतनी, आज तो लू चल रही है इतनी ज़्यादा, मतलब ठंड हवाएं चल रही हैं, तो ऐसे में परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है क्या? परिवार की तरफ से देखिए अब फोर्स तो होता ही है मतलब, पर उसके बाद भी हम लोग को यहाँ पर रुकना, अपना धरना हम लोग जारी रखेंगे और उससे कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। इसके लिए हम लोग अनवरत प्रयास करते रहेंगे, अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, जो संभव कार्य हो सकेगा वो करेंगे। आगे क्या कुछ करना है, जो कि आपने कहा कि एडी मोर्चे से मतलब बात हुई है, तो 3 दिन का समय दिया गया है, तो आगे क्या कुछ करना है? अगर प्रदेश सरकार हम सबकी बातों को नहीं सुनेगी तो हम सब जल्द एक बड़ा अभियान, व्यापक अभियान चलाएंगे, मुख्यमंत्री आवास, राज्यपाल महोदय को अवगत कराने के लिए उनका आवास, नुक्कड़ सभाएं, अर्धनंग होकर भीख मांगना,
क्योंकि अगर सरकार को रोजगार नहीं देना था तो आज हमारा घर परिवार लोन लेकर हमको सबको पढ़ाया, आज हम सब कहाँ जाएंगे। हम भीख मांग कर ही अपने गुजारा करेंगे, लेकिन सरकार और आम जनता के बीच में पहुँचाएंगे कि प्रदेश सरकार रोजगार देने में सक्षम थी, इसलिए आज हम सब सर्वत्र लुटा करके आज रोजगार के न मिलने पर भीख मांग रहे हैं। बस हम निवेदन यही है कि प्रदेश सरकार हम सबकी बातों को सुने। आज हम सबके पास कोई चारा नहीं है, 21 लाख लोग आपके 97,000 भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बेसिक विभाग में पद नहीं खाली हैं, पद खाली होने के बाद भी सरकार रोजगार नहीं दे रही है। जी भाई देखिए, आज आप जैसा कि रजत जी ने बताया 11वां दिन हो चुका है, इसके उपरांत भी जो भी आश्वासन थे वो केवल जमीनी स्तर पर अभी तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार को जितने भी पुराने मामले थे, जितने भी लंबित मामले हैं, अगर उनको इनका समाधान करना है और अपने आप को आगामी विधानसभा चुनाव में ये दिखाना है कि हाँ उनको वापसी होगी और उन्हें ये लगता है कि युवा उनको लाएंगे, तो उसके लिए उनको अभी आचार संहिता से पूर्व नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देना ही होगा। अन्यथा की स्थिति में मैं बता दूं, 21 लाख ये परिवार हैं, ना कि अभ्यर्थी हैं। आप परिवार में सोच सकते हैं, सभी के माँ बाप, उसका भाई बहन और रिश्तेदार भी होते हैं। जब आप समझिए, मैं उदाहरण देता हूँ, मेरे घर में अगर मुझे रोजगार नहीं मिलेगा, क्या मेरे माँ बाप इस सरकार को वोट देंगे? कभी नहीं देंगे। वो हमेशा क्या कहेंगे कि सरकार ये रोजगार देने में अक्षम है, यानी कि ये सरकार रोजगार नहीं दे सकते। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, योगी जी होश में आओ, रोजगार देना चाहते हैं तो आचार संहिता के पूर्व जल्द से जल्द विज्ञापन दे, अन्यथा ये दंश जो हम लोग 3 साल से झेले हैं उनको आगामी विधानसभा चुनाव में झेलना होगा और सत्ता से जाना होगा। योगे जय भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगे जय भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, शिक्षक भर्ती देना होगा नहीं तुमको जाना होगा, शिक्षक भर्ती देना होगा नहीं तुमको जाना होगा। जारी करो, जारी करो, नया विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो, योगी जय होश में आओ, 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 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, 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 आवाज दो, आवाज दो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षक भर्ती